कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते जिसके कारण भीड़ इकट्ठा हो। इस दौरान धार्मिक कार्य, नमाज, पूजा, सार्वजनिक जगह करना सख्त मना है। मस्जिद में 5 लोगों से अधिक नमाज अदा नहीं कर सकते। एसपी ने कहा, इस्लाम धर्मावलंबियों का पवित्र त्यौहार ईद उल फितर एवं रमजान का अंतिम जुम्मा अलविदा भी घरों पर रहकर अदा करें। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी पुलिस कप्तान मनीलाल मंडल ने दी। सरकार का इसमें गाइडलाइन स्पष्ट है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो पूर्व से नियम है वह अभी तक लागू है। जैसे धार्मिक स्थलों पर भीड़ न लगाना, एकत्रित होकर के किसी भी धार्मिक स्थल पर एकत्रित न होना और आइसोलेशन में सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियम के तहत जो गाइडलाइन है जो अभी तक चलते आ रहा है, सैनिटाइजर, माउथ मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स, इसका उपयोग कर हम सभी को। तो ईद में सर खास करके जो लोग परमिशन मांग रहे थे कि हम लोगों को मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए, ईदगाह में अनुमति दी जाए, इसको लेकर के क्या सरकार का निर्देश है? नहीं, सरकार का जो निर्देश है वो पहले से लागू है, इस संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो लोग मस्जिद और ईदगाह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, उसमें एकदम मनाही है। वो ईदगाह में नमाज अदा नहीं करेंगे और मस्जिद में भी नमाज अदा वो 5 से अधिक की संख्या में नहीं करेंगे। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि लोग एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं या मस्जिद में, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी, पुलिस को जो कानूनी कार्रवाई है वो इसके तहत हम लोग करेंगे। सर, ये लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। सर के द्वारा क्या कुछ खास निर्देश दिया गया पुलिस पदाधिकारियों को? सभी हमारे पुलिस पदाधिकारी विजिल हैं इसमें और ड्रोन कैमरा से सभी पर नजर रखी जा रही है। मेरा पुलिस का पेट्रोलिंग रहेगा, गश्ती रहेगा, फोर्स की तैनाती रहेगी और हम सभी इस पर जागरूक रहेंगे। पाकुड़ से विक्की शर्मा की रिपोर्ट।